नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर गाजीपुर से है, जहां नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा भ्रम फैलाकर लोगों को बरगलाने पर भाजपा पूरे एक माह तक घर घर जाकर जन जागरण अभियान के माध्यम से नागरिकता संशोधन अधिनियम से लोगों को अवगत कराएगी। इस बात की जानकारी जिला पंचायत सभागार में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे ने कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में दंश झेल रहे हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि धर्मावलंबियों के भारत की सदस्यता के लिए बने कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो धर्म के आधार पर देश के बंटवारे का समर्थन करते हैं, भारत को खंडित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 1950 में नेहरू लियाकत समझौते के बावजूद उस समय पाकिस्तान के 23% गैर मुस्लिम धर्म वालों की संख्या आज मात्र 3% होकर रह गई है। समझौते में इन धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सम्मान की बात कही गई थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 नागरिकता देने के लिए बना है, ना कि किसी की नागरिकता समाप्त करने के लिए बना है। गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। विधेयक जो पारित हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, उसको भारत की जनता को भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने भली भांति समझाया कि ये किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को। लेकिन महात्मा गांधी के नाम से लेके कुछ देश में जो फर्जी गांधी इस देश में घूम रहे हैं, सोनिया विदेशी और अपना ओवैसी, ये दोनों खाली सत्ता के लिए जिस तरह से हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को दुर्भ्रमित करके बम विस्फोट करा रहे हैं, जिस तरह से तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं, ये निश्चित तौर पे कोई ये राष्ट्रवादी कदम नहीं है। निश्चित तौर पे जो ही कदम है, ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह के साथ रहते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा। तो भाजपा का एक कहना है कि आप हर घर से अफजल निकालते रहिए, हम हर घर से अब्दुल हमीद निकालेंगे। उसी के तहत उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि सीए को आम जनता तक, अंतिम आदमी तक इसके बारे में बताने, उन्हें जगाने, अल्पसंख्यक समझाने को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेके वार्ड स्तर तक गली गली जाएगी, ग्राम स्तर तक गली गली जाएगी, वहां विधायक जाएंगे, मंत्री जाएंगे और जनता को जगाने का काम करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि विधायक जाएंगे, मंत्री जाएंगे, सांसद जाएंगे, लेकिन आपके इसी प्रेसवार्ता में जनपद में आपके 3-3 विधायक हैं और एक MLC भी हैं, उनका कहीं आता पता नहीं, ना ही अभी तक सीए के मामले में अपने स्तर या अपने विधानसभा में इन लोगों ने किसी को जागरूक करने का काम किया है। देखिए, आपको बता दें कि अभी तो कार्यक्रम 26 दिसंबर से शुरू हुआ है और 25 जनवरी तक चलेगा, और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस विधायक और मंत्री को बुलाने के बजाय जब जिला अध्यक्ष आ जाता है तो उसी में सारे लोग आ जाते हैं। सीए का विरोध तो पिछले एक हफ्ते से ऊपर हो गया चलते, तो कम से कम इस दौरान तो अपने क्षेत्र के लोगों को उनको जागरूक करना चाहिए। नहीं, और जमानिया विधानसभा की बात करें तो वहाँ सबसे अधिक अल्पसंख्यक जमानिया विधानसभा में है, तो क्या वहाँ के विधायक अपने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जाने के प्रयास किए? नहीं, निश्चित तौर पर अब उनको 26 के बाद का जो कार्यक्रम है, सभी लोग हैं, देखिए जिला पंचायत के सदस्य वहीं के आए हैं, इसको निश्चित तौर पर बताने काम, और पार्टी ने कहा ये करना ही पड़ेगा। अरे ये लोग नहीं करते तो क्या किया जाए? अगर कर, मतलब ये तो करेंगे, पार्टी कार्यकर्ता है, विधायक है, मंत्री है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता है तो करेंगे। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।